वाइस कैलम सब के भाई आज भाई हम आए थे कृषि मेला के अंदर भाई, तो कुछ बताओ अपनी मतलब ब्रांड के बारे में, कहाँ से ब्रांड, कितने साल हो गए अपने को इस फील्ड में? सर ये सरकारी है, दृशा कंपनी का ड्रोन है जो सरकार ने बनाया है, सरकार ही किसानों के लिए हेल्प करने के लिए इसको लेके आई है। अच्छा, और इसे सेल परचेज के लिए नहीं है, रिसर्च का प्रोजेक्ट है सरकार के लिए। अच्छा, जो किसानों को फायदा देने के लिए सरकार ने स्टेप लिया है। ये 16 लीटर का है, वो 10 लीटर का है, ये 15 मिनट में 3 एकड़ कर देता है, वो 1.5 एकड़ कर देता है 15 मिनट में। Okay. वो अभी उड़ा के दिखाया था, आप लेट आए। अच्छा, दिखा दिया आपने उड़ा के? हाँ मैडम, ऐसे उड़ा नाड़ कट गया जी। अच्छा, इसके बारे में भी अभी ये मल्टी स्पेक्ट्रल है जी। ये प्रिसाइज कहाँ पे कौन सी खाद डालनी है, कौन सा यूरिया डालना है, क्या करना है, वो ये डिसाइड करता है। फिर इसके डाटा को एनालाइज करके ये ड्रोन वहाँ स्प्रे करता है। ये थोड़ी हाईटेक उस टेक्नोलॉजी में आ जाता है अगर दोनों इकट्ठे हम यूज़ करें तो, बट नॉर्मल में ये यूज़ होता है। यूरिया कहाँ कमी है और कौन सी बीमारी लग सकती है इस पोर्शन में, ये मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा होता है इसमें। अच्छा, ये हाईटेक सिस्टम है थोड़ा। ओके, बीमारी से पहले ही आपको पता लग जाएगी आपकी ये बीमारी आने वाली है, तो बचा सकते हो वो चीज़ वहाँ छिड़काव करके, वहाँ एक करता है ये वाला लिए है ये। और सरकार कर रही है काम है, हमारे CEO गिरिराज पुनिया है, फुल कुमार सर हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। बिजली के लिए अलग बैटरी के लिए तेल के लिए ये बैटरी डलती है इसमें, बैटरी बैटरी क्या हिसाब से उसको बताओगे? बैटरी 22,000 एमएएच की 2 बैटरी लगती हैं, 20 एक बैटरी रखनी पड़ती है पूरे दिन ऑपरेट करने के लिए। 20 बैटरी क्योंकि 15 मिनट चलती है एक सेट 15 मिनट चलेगा। मान लो आपने 30-40 एकड़ करना है, 50 करना है, तो फिर आपको ना हिसाब से चाहिए। भाई साहब भाई किसे लगे आपने सौदा? लगता तो ठीक से मुझे चल लगा, तो बड़ा रिस्की होता है। हाँ, पब्लिक में इसको इसकी कुछ गाइडलाइंस है भाई, लोगों से इतना दूर, इतनी हाइट पे, ऐसी जगह पे अलाउड भी नहीं है। सेफ्टी भी रखनी पड़ेगी ना अपने लिए भी, तो उड़ा भी दूंगा मैं भाई चांस, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया मुश्किल हो जाएगी ना। हम तो बताते हैं, हमें पता है कितना रिस्क होता है इसमें, ये एक झटके में नाड़ साइड में कर देगा। नारायण फिर यार किसान तो मरे रहेंगे तो ये सारे किसान। हाँ, किसानों ने नहीं करना स्प्रे, और एक्सपर्ट करेगा। अच्छा, एक्सपर्ट आपको दिए जाएंगे, वो सरकार कर रही है सारा प्लान, वो सरकार के अंडर है। उस तरह आगे वो तो बात था। हाँ जी भैया। हाँ जी, मैं सहायक कृषि अभियंता नूह से। जैसे अभी जमींदार भाई पूछ रहे थे अगजी उड़ा दो इसको, तो इनको मैं बताना चाहूँगा कि DGCA अप्रूव्ड ट्रेंड पायलट इसके लिए जरूरत होती है। मतलब उड्डयन मंत्रालय से ट्रेंड पायलट की जरूरत होती है, और ये गाइडलाइन होता है जो जहाँ आदमी हो वहाँ नहीं उड़ाना अपने को, ये खेत में उड़ाने के लिए पास हुआ है। स्प्रे हम खेत में करेंगे, वो भी खेत से बाहर खड़े होकर करेंगे, तो किसान भाई पूछ रहे थे इसलिए बता रहे। आगे समझ आगे भाई, आप अपनी सेफ्टी रखा, कितने लोग किसी गर्दन कट चाहिए आपका नाम है? ना ना सही कटवा चलाई गई ना कदे ना ना चलाना चाहिए खड़े रहने दे, गर्दन कटेगी तो काम चला। रिस्क है इसका बहुत ज्यादा रिस्क है, अपने खेत में इनका ड्राइवर जरूर अलग लेना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे उठाना आपको टाइम के हिसाब से? ये जो दृश्य जो बताया इनका करनाल में सेंटर है, और ये ट्रेनिंग भी शुरू कर रहे हैं, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। सरकारी इंस्टीट्यूट है जो कि ड्रोन पायलट ट्रेंड करेंगे, 5 दिन की ट्रेनिंग होगी, वो सारी ट्रेंड करके ही आपको देंगे। और जैसे आप कोई ड्रोन खरीदेगा उसको पहले ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। और अभी आगे ना, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लगभग 10 एग्रीकल्चर ऑफिसर्स अपने जो है उनको ट्रेनिंग दिलवाई है ड्रोन के लिए, तो अभी आगे वो फार्मर्स के फील्ड में किसानों को डेमोस्ट्रेशन वगैरह आगे वो करवाएंगे अलग अलग जिले से। करनाल में जाना ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी क्या? हिसार में नहीं है क्या? हिसार में TTC भी शुरू होने वाला है, होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में। बस उसके पास ना पासपोर्ट होना चाहिए।
पासपोर्ट ये पासपोर्ट कहाँ से ले आऊँ किसान सही बात है जी पासपोर्ट ये DGCA की गाइडलाइन है भाई ये थोड़ा सेंसिटिव मामला है इसका गलत इस्तेमाल है ड्रोन का इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन होनी जरूरी है अब जल्दी करने के लिए भाई पुलिस वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा तो जिसके पास पहले पासपोर्ट है उसकी पुलिस वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली पहले हो रखी है इसलिए जरूरी किया है भाई पासपोर्ट है वो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन हो रखी है और वो सही आदमी है उसको इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी जाए यदि पुलिस वेरिफिकेशन करवा के कोई दे देगा तो बगैर पासपोर्ट के भी उसको ट्रेनिंग दे दी जाए तो ठीक है सर थैंक यू।